विज्ञान वापी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। दरअसल व्यास जी तहखाने की छत पर होने वाली नमाज को रोकने की मांग उठ गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी जिला कोर्ट में आज बुधवार को नई याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग का कारण भी बताया गया है। हिंदू पक्ष का कहना है व्यास जी तहखाने में मरम्मत कार्य कराया जाना है, इसलिए धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए नमाजियों को रोका जाए। हिंदू पक्ष की याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता राम प्रसाद ने बताया कि आज हमने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। रिपोर्ट्स के माने तो व्यास जी तहखाने की छत लगभग 500 साल पहले बनी थी। छत बहुत खराब हालत में है, सुरक्षा के लिए उसकी मरम्मत की मांग हमने कोर्ट से की है। व्यास जी तहखाने की छत पर लोगों के जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने आशंका जताई है पुजारी और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ हादसा हो सकता है। नमाज पर रोक की मांग के पीछे हिंदू पक्ष ने आस्था और सुरक्षा का तर्क दिया है। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। आपको बता दें हाईकोर्ट ने सोमवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अपील खारिज कर दी थी। आदेश में 31 जनवरी को वाराणसी जिला जज के आए आदेश को सही ठहराया गया। हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के कारण मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। जिला प्रशासन की मौजूदगी में 31 जनवरी को पूजा पाठ शुरू हुई थी। व्यास जी तहखाने में पूजा रोकने की मांग पर 15 फरवरी को सुनवाई हुई थी। अदालत में दोनों पक्षों ने दलील दी। लंबी बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को आए आदेश के मुताबिक व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।